सब मुसीबतां जां आफतां दा करता कौन है? दुनिया विच बहुत वड्डियां वड्डियां मुसीबतां आउंदियां ने, लड़ाइयां कौमां नूं ते देशां नूं बर्बाद कर दिंदियां ने, बीमारियां हजारां जानां लै लैंदियां ने, समुद्रां दे तूफान हनेर मचा देंदे ने। कि यह सब कुछ किसी शक्ति दे कंट्रोल विच नहीं? एक पासे तां वाहिगुरू दा सदीवी इंतजाम अते कंट्रोल वेखने आ। सूरज वेले सिर चढ़दा है, चंद्रमा ठीक तरीक दे हिसाब नाल वधदा जां घटदा है, बारिशां ते अन्न दी उत्पत्ति एक नियत कानून मुताबक हो रही है। इस सब गल्लां मनुख लई बड़ियां सुखदाई ने, तां फिर इंसान दी तबाही दे काम भी वाहिगुरू ही कर रहा है, जां इसदा करता कोई होर है? यह सवाल बड़े गौर नाल समझण वाला है। आम तौर ते दुनिया दी राय इहाई है, भावें गल पूरी समझ नहीं आउंदी, पर इन्हां सब मुसीबतां दा करता वाहिगुरू तों इलावा होर कोई नहीं हो सकदा, क्योंकि इन्नी वड्डी शक्ति दा मालक भी ते उही है ना। असीं इस सवाल ते इंसानी अकल नाल अज तक किसी फैसले ते नहीं पहुंच सके, ते ना ही इन्हां मुसीबतां नूं वस विच करन दी कोई तजवीज़ मनुख दी कामयाब हुई है। आओ हां पला वेखिए कि गुरबाणी भी साड़ी इस मामले विच कोई सहायता करदी है कि नहीं। आत्म साइंस दी खोज करन वाले गुरमुख जां संत महात्मा ही हुंदे ने, अते असली जां पूर्ण संत ही जिन्हां दी सुरती वाहिगुरू नूं असल रंग विच वेख चुकी है, कोई ऐसे गुंजलदार मामलियां दी कुछ ठीक समझ सानू दे सकदे ने। इस करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तों इलावा होर केड़ी कोई किताब हो सकती है जिहड़ी साडी मुश्किल नूं हल करे? तां आओ फिर असीं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा पाठ करदे हां। पाठ करन नाल इह पता लग सकदा है कि वाहिगुरू दी सर्वव्यापक ते सर्वशक्तिमान शक्ति सदा सुख देण वाली है, उस विच दुख ते किधरे नाम मात्र भी नहीं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी बार बार पढ़न नाल इसे नतीजे ते पहुंचांगे, ताती वाव ना लगाई पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द हमारा रामकार दुख लगै ना पाई। भाव वाहिगुरु जी दी शरण विच आया तत्ती वाह नहीं लगदी, वड्डे दुख ते किथे बंदे नूं दुखी कर सकदे ने। फिर अगे ए भी साफ लिखिया कि होर कोई दुख भी नहीं लग सकदा। वेखो श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज एक होर शब्द विच बड़ा साफ साफ वर्णन करदे ने, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हों संभल थकी जी ओ कदे ना बोलै कौरा, कौड़ा बोल ना जानै पूर्ण भगवानै औगण को ना चितारै, पतित पावन हर बिरद सदाए एक तिल नहीं पन्ने काले। भाव वाहिगुरू तां हमेशा मिठ बोलड़ा, कौड़ा बोलना तो वह जानदा ही नहीं, अते साडे अवगुणा नूं ओ कदे याद नहीं रखता। वाहिगुरू पिता ते माता वांग सदा जीवन दी संभाल करदा है। श्री गुरु अर्जन देव जी दे इस शब्द विच इस तरह समझ आउंदी है, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई, तां पाओ केहा काड़ा जीओ। भाव वाहिगुरू
पिता ते मां वांग सिर्फ ते सिर्फ प्रेम दा ही रूप है। अते हर मौके ते अपने सेवक बच्चियां दी सदा रख्या करदा है। जिन्ना वध असी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करदे जावांगे, वाहिगुरु दा एहा ही स्वरूप सानू नजर आवेगा कि वाहिगुरु केवल ते केवल प्रेम दा रूप है अते सुखां दा स्वरूप है। दुख देना उसदे सुभाव विच नहीं ते ना ही उसने रचिया, सगों ते दुखां दा नाश करदा है। वाहिगुरु दा नाम सिमरन करन नाल दुख ते रोग हट जांदे ने। गुरु जी इस तरह समझाउंदे ने, दुख रोग गए गत तन ते, मन निर्मल हर हर गुण गाए, भय आनंद मिल साधु संग, अब मेरा मन कत ही न जाए। इस वक्त असां वेखना यह है कि दुनिया विच सब मुसीबतां दा करता कौन है ते इना मुसीबतां तो बचण दा ढंग की है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करन नाल पहलो यह गल स्पष्ट हो गई कि मुसीबतां दा करता वाहिगुरु नहीं। साडा पुराना यह ख्याल जो आम तौर ते सारी दुनिया इसे तरह ही मनदी है कि वाहिगुरु दी शक्ति ही सब मुसीबतां दा कारण है, यह गलत साबित होण नाल भी साडा हल्ला पूरा मतलब हल नहीं होया। भावे कि जे वाहिगुरु इन्हां मुसीबतां नूं जन्म देण वाला नहीं तां फिर होर किहड़ी शक्ति है। आत्म साइंस दा इह फैसला है, क्योंकि वाहिगुरु सुखां दा स्वरूप है ते दुखां दा नाश करदा है, तां इस तों सिवा होर कोई नतीजा नहीं निकल सकदा कि सब मुसीबतां वाहिगुरु दी गैर हाजरी तों पैदा हुंदियां ने। गुरु जी ने आप लिखिया, परमेश्वर ते भुल्लिया व्यापन सभ्य रोग। वाहिगुरु सर्व व्यापक है ते हर थां ते मौजूद है, पर असां अपनी सुरती विचों वाहिगुरु नूं बिल्कुल भुला दिता है। वाहिगुरु की गैर हाजरी का नाम माया है। असी माया विच बैठे हुए हैं ते इसे करके असी सब बीमारियां मुसीबतां थोड़ा लड़ाइयां झगड़िया ते दुखां दा शिकार बने हुए हैं। इन्हां सब मुसीबतां दे जिम्मेवार असी जां साडे पाप ते साडी अज्ञानता है। वाहिगुरु दा नूर छड़ के माया दा हनेरा मल्या होया है ते इसे हनेरे विच ठोकरां पै खांदे हैं। यह ख्याल के वाहिगुरु जी मुसीबतां दा करता नहीं, असीं एक मिसाल द्वारा समझण दा यतन करने। मन लो किसे वड्डे शहर विच एक बिजली घर पावर हाउस है जिस नूं चलाउण लई कई मनुख काम कर रहे ने, कई चीफ इंजीनियर, कई छोटे इंजीनियर ने, कई मिस्त्री अते कई होर तरह के अनेकां काम करन वाले सियाने सूझवान बंदे ने। इन्हां सब बंदियां दे इंतजाम करन नाल बिजली चल रही है ते बिजली दे चलन नाल सारे शहर विच रोशनी हो रही है, पखे चल रहे ने, खाना पक रहा है, पानी दा बंदोबस्त हो रहा है, कारखाने चल रहे ने। यह सारा काम एन एक ठीक सिस्टम दे मुताबक चल रहा है। जिस सिस्टम दे विच किते एक स्किंट लई भी कोई रुकावट आ जाए तां बिजली दे काम विच विघन पै जांदा है। पर इस तों भी उच्ची एक होर गल है कि बिजली दे कुछ खास नियम जां कानून ने जिहड़े बिजली पैदा करदे ने ते उस दी शक्ति तों असीं काम लैंदे आ। इह नियम सदीवी ने, बिल्कुल पक्के ने ते कदे बदलण वाले नहीं। जे इन्हां नियमां दी पूरी ताबेदारी कीती जावे तां बिजली पैदा होवेगी ते ठीक काम करदी रहेगी, पर जेकर जरा जिन्ना भी कोई काम नियम दे विरुद्ध होवेगा तां बिजली बंद हो जाएगी,
फिर भावें लख वार हाथ जोड़ो अरदासां करो, नियमां दी पाबंदी तो बिना बिजली काम नहीं करेगी। जिस वेले बिजली बंद हो जाएगी तो उस वेले इंजीनियर का ख्याल किसे होर पासे नहीं जाएगा, बल्कि वो ये वेखेगा कि कित्थों केड़े नियम की उलंघना हुई है। जल्दी उसनु ठीक करन वास्ते अपने बंदे ला देंदा। जदों तक ये गल पक्की ना हो जाए कि हुण नियम कानून दे मुताबक सिस्टम दे मुताबक सब कुछ ठीक हो गया, फिर बिजली चालू हो जाएगी। मन लो कि किसे कारण बिजली बंद हो गई है, सारा शहर हनेरा हो गया, पखे बंद, पानी बंद, कारखाने बंद, सारे शहर विच तकलीफां ते मुसीबतां आ गईयां ने, रौला पै गया। पर सोचो भई इस सारी मुसीबत दा जिम्मेवार कौन है, बिजली जां मनुख? जिसने बिजली दा कानून तोड़िया जां किसे नियम दी पूरी तरह पालना नहीं कीती जां किते उलंघना होई है, ये जवाब जरूरी है कि बिजली इस तूफान दे मचण दा कारण नहीं ते ना ही जिम्मेवार है। तूफान ते बिजली दी गैर हाजरी करके आया, ते गैर हाजरी किसे नियम दे टुटन नाल पैदा हुई है, ते नियम तोड़न लई जिम्मेवार मनुखे। इहा हाल सारी सृष्टि दा है, उस दे नियम नाल उस दी हर शक्ति कम कर रही है। जिवें बिजली एक शक्ति है, इसे तरह मनुख दी पालना ते रख्या भी एक शक्ति कर रही है। उस दे नियम कानून मुताबक चलन नाल उस शक्ति मदद कर दी है, सानू तंदुरुस्ती देवेगी, सब लोड़ां पूरियां करेगी ते समूह सुख देवेगी। पर जे उस शक्ति दे नियमानुसार ना चलिया जाए तो अनेक तरह दियां मुसीबतां पैदा हुंदियां रहणगियां। नियम तोड़न नूं भाव कानून तोड़न नूं रब्बी कानून तोड़न नूं असीं पाप आखने आं। हर मनुख दे पाप उसदी अपनी छोटी दुनिया विच मुसीबतां खड़ियां करदे ने, ते कौमां दे पाप मिलके वड्डियां वड्डियां मुसीबतां पैदा कर देंदियां ने, क्योंकि पाप विच तबाही छुपी हुंदी है। इस करके बंब वांग वो पाप आप भी तबाह हो जांदा है। जिहड़ा पाप नूं कोल रखे जां उहदे नाल प्यार करे उसनूं भी तबाह कर देंदा है। हुण असीं यह विचार करनी है कि इन्हां मुसीबतां नूं रोकण दा ढंग की है। दुनियावी तरीके आम करके नुक्स वाले हुंदे ने, ते कदे भी यह पक्का यकीन नहीं दिवाया जा सकता कि हर हाल कामयाबी होवेगी। हाँ, आत्म साइंस का यह पक्का फैसला है कि वाहगुरु जी विच कोई गलती नहीं, इसलिए पूरी कामयाबी वाला उपाओ आत्मिक ही हो सकता है, दुनियावी नहीं। ये आत्मिक इलाज की है ते कित्थों मिलता है? उसका जवाब उही है जो हर वेले हुंदा है कि दुनिया दियां समूह मुसीबतां ते तकलीफां नूं दूर करन दा इलाज सिर्फ ते सिर्फ नाम है, ते नाम हासिल करन वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना ते उन्हां नियमां ते अमल करना है। शुरू शुरू विच किसे सियाणे विचारवान ते समझदार सिमरन करन वाले दी मदद लैनी चंगी गल है। मुसीबतां नूं हटाउण दे पूरे पूरे इलाज दा एक नमूना आओ एक शब्द विच वेखीए। यह शब्द गुरु अर्जन देव जी ने उस वेले उचारिया जदों सुलही खान गुरु साहब नाल वैर करन वालियां दा चुकिया होया गुरु जी उत्ते हमला करन लई आ जांदा है।
सिख सेवक कई तजवीजा महाराज गुरु अर्जन देव जी नूं पेश करदे ने ताकि बचा किया जा सके। पहली तजवीज यह आ कि उसनूं कोई चिट्ठी भेजिए, दूजी सलाह है कि दो बंदे भेज के फैसला कर लईए, ते तीजी सलाह है कोई होर ढंग वरतना पएगा। पर वाहिगुरु ते भरोसा रखण वाले गुरु जी फरमान करदे ने कि मैं ते सिर्फ वाहिगुरु नूं याद करदा ते मैनूं उसे दा आसरा है। इस पूरन भरोसे दा नतीजा यह होया कि सुलही खान सतगुरु जी ते हमला करन तो पहला ही हादसे विच मारिया गया ते उस दीआं फौजां नस गईआं। शब्द यह आ आसा महला पंजवां, प्रथमे मता जे पत्री चलावां, दुतीय मता दोए मानुख पहुंचावां, तृतीय मता किछ करां उपाया, मैं सब किछ छोड़ प्रभ तू ही त्याया, महा आनंद अचिंत सहजाया, दुश्मन दूत मुए सुख पाया रहाओ। सतगुरु मोका दिया उपदेश, जियो पिंड सब हर का देश, जो किच करी सो तेरा तान, तू मेरी ओट तू है दीबाण, तुदनो छोड़ जाइए प्रभ कैं धार, आन न बिया तेरी समसर, तेरे सेवक को किसकी कान, साकत भूला फिरै बेबान, तेरी वड्याई कही ना जाए, जै कह राख लह गल लाए, नानक दास तेरी शरणाई, प्रभ राखी पैज वजी वाधाई। इस शब्द विच पहला तीन मते दस के फिर नियम का जिक्र किया की नियम पढ़े गए ने, की नियम वरते गए ने, जरा ध्यान नाल समझण दी लोड़ है। बार बार पढ़ो इस शब्द नूं ताकि एक एक नियम की पूरी समझ आ जाए। जदों कदे कोई तकलीफ आवे तां इन्हां नियमां नाल ठीक करो, जे तकलीफ ना हटे तां घबराउण दी लोड़ नहीं। समझ लो कि हालां नियम की पूरी तरह पालना नहीं होई। बार बार नियम नूं पढ़ो, फिर वरतो, फिर पढ़ो जदों तक के तकलीफ ना हट जाए। ਇਹ ਖਿਆਲ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਆਸਰੇ ਵੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਹੈ, माया बिल्कुल गहरा जर है। फिर वाहिगुरु दा प्रेम ही प्रेम बयान कीता है, अखीर शुक्र कीता है ते खुशी मनाई है कि इस नियम दे पूरा हुंदिया सार वाहिगुरु जी ने हर तरह आप रख्या कर ली है। धन दौलत अते नाम, सारी दुनिया धन इकट्ठा करन दे मगर पई हुई है, क्योंकि धन दौलत नाल हर चीज असी खरीद सकते हैं। जे सेहत खराब हो जाए तो पैसा वड्डे वड्डे डॉक्टरां ते दवाइयां नूं हाजिर कर देंदा है। नर्सां मिंट मिंट दा ध्यान रखने वास्ते तैयार ने। जे किते बंदे नूं शोहरत जां वड्याई चाहीदी, प्रसिद्धि चाहीदी होवे तां लखां रुपए खर्च के आगू बन के बड़ा सत्कार लिया जा सकता है। आखिर यह सारा पैसा सोहनिया कोठिया ते उच्चे दर्जे का समान कोठी नूं सजाउण लई, खूबसूरत हरियावल ते ठंडक पैदा कर देंदी है। जिस चीज विच इस तरह के सारे गुण होण, उसनूं हासिल करन दी कोशिश क्यों ना कीती जावे। यह गल सोच के सारी दुनिया पैसे दे मगर लगी हुई है, पर थोड़ी डूंगी सोच करन नाल
इस सारे ख्याल दा रंग बदल जांदा है। पता लगदा है कि पैसा हासिल करन वास्ते कुछ लोग सवेर तो लैके शाम तक कम करदे ने, पर इस दे बावजूद पैसा उन्हां मनुखां दी लोड़ मुताबक उन्हां नूं नहीं मिलदा। बहुत सारे लोकां दियां थोड़ा कायम रह जांदियां ने ते बहुत थोड़े ने जिन्हां दी जरूरत पूरी करन दे मुताबक उन्हां नूं पूरा पैसा मिलदा है। इस तरह दुनिया दा बहुत वड्डा हिस्सा इस धन दौलत वल्लों निराश ही रहिंदा है। आओ हुण वेखिए कि जिन्हां नूं पैसा मिल रहा है उन्हां दा की हाल है। पहली गल, होर कमाउण दा फिकर उन्हां मनुखां दा कदे खत्म नहीं हुंदा। होर कमाउण दी इच्छा होर तेज होई जांदी है, मन चैन नाल नहीं बैंदा, फिर हर वेले ए फिकर लगा रहिंदा कि इकट्ठा होया पैसा किते गवाच ना जाए। ये फिकर ये बेचैनी बेतबारी सुख का सह नहीं लैन देंदी। हुण एक होर गल वेखो कि जिन्ना थोड़े जे मनुखां कोल पैसा बहुत आया उन्होंने भी यही फैसला किया कि यह पैसा मनुख दियां सारियां लोड़ां नूं पूरियां नहीं कर सकता, भाव सारे सुख नहीं दे सकता। इस दे हुंदे होया भी दुख शरीर उत्ते हमला करनों बाज नहीं आउंदे। मायूसी, निराशा, मौत, बीमारी ते दुनियावी हादसे ये ते हर वेले मनुख नूं डेग सुट्टन लई तैयार रहिंदे ने। तां फिर यह समझ आई कि पैसा सब सुख नहीं दे सकता। सारी दुनिया पागल होके इस दे मगर पई है, पर यह भी ठीक है कि पैसा सारियां नूं मिलदा नहीं ते सारियां नूं सुख भी नहीं मिलदा। हुण आओ जरा अमीर ते गरीब नूं आमो सामने रख के मुकाबला करिए। कुदरत दी एक अनोखी गल वेखो, जे अमीरां कोल पैसा है तां गरीबां कोल सेहत है। गरीब किसे अमीर दा पैसा वेख के हर वेले अफसोस नाल आहां भरदा रहिंदा है, तां अमीर गरीब दी सेहत वेख के हर वेले आहां भरदा रहिंदा है। अमीर दे मेज ते 36 पदार्थ रखे ने, पर वह डाक्टरां दियां नसीहतां दे मुताबक बहुता कुछ खा नहीं सकता, खाण दा हुक्म नहीं। ते गरीब बंदा बहुतियां वस्तुआं ना मिलन करके स्वाद तो वांझा रहिंदा। भुख ते सेहत ठीक होण नाल गरीब खाने दा उही स्वाद लै रहा है जो एक अमीर बंदा भुख ते सेहत दी कमी करके एक चंगे खाने दा स्वाद लै रहा है। अमीर बंदा अपनियां जरूरतां वधा के भी हर वेले थोड़ महसूस करदा ते होर दौलत लभदा, ते गरीब भी बेचारा थोड़ा दे वस पिया होया ते होर पैसा लभण दा प्रबंध करदा। ये भी पक्की गल है कि जरूरत मुताबक अमीरां ते गरीबां नूं रब मुढ़लियां लोड़ां पूरियां करन लई जरूर प्रबंध कर देंदा है। गुरु जी ने आख्या, काहे रेमण चितवें उद्दम जां आहर हरजियो प्रिया, सैल पत्थर मैं जंत उपाए, तांका रिजक आगै कर तरिया। मन दी शांति भी एक सुरती दी खेड है जो अमीर ते गरीब अपने अपने ख्यालां मूजब हासिल करदे ने। जरूरी नहीं कि अमीर बंदे कोल बहुत ही शांति होवे ते ना ही
ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੈਸਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਲੱਕ ਬੰਨ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਦਾ ਫਿਰੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਮਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੌਲਤ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਭਾਵ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੱਥੋਂ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅੱਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ ਜੁੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਕੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਫਿਰੀਏ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆਵੇ? ਇਹ ਖਿਆਲ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮਗਰ ਮਾਯੂਸੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਦਲਦੀ ਤੇ ਰੰਗ ਵਟਾਉਂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਜਾਂ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਏ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਕਲ ਤੇ ਖੋਜ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਯੂਸੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੀ ਟਾਰਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਸ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇਲਾਜ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਜਗ ਚਲਤਾ ਪੇਖੀ ਹੈ ਨਿਚਲ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਕਰ ਮਿਤਰਾਈ ਸਾਧ ਸਿਉਂ, ਨਿਚਲ ਪਾਵੇਂ ਥਾਉ। ਆਸਾਵਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਣਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਵੇਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਜੋ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਦਾਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਦਾਤਾਂ ਮੁਫਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਲਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
पर इंसानी अकल। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का हुक्म मनन तो पहला दलील की मंग कर दी। जे अकल दियां दलीलां सहारा ना देन तां बहुत सारे लोग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे हुक्म एक कन विचों सुन के दूजे कन विचों कढ़ छड़दे ने। इस वास्ते पहलों आओ जरा अकल नाल दलील नाल विचारने। वाहिगुरु एक संपूर्ण शक्ति है, वह सर्वशक्तिमान है अते संपूर्ण है। फिर कुदरती गल है उसका दिता रिजक भी संपूर्ण है ते सारयां नूं मिल रहा है। सूरज जिन्नी गर्मी जां चमक इर्द गिर्द दे सितारयां नूं दे रहा है बस उन्नी ही वाहिगुरु दे हुक्म विच इस नूं मिल रही है, जिस नाल सूरज नूं कोई कमी नहीं आउंदी। अते ए अपने ढंग नाल परफेक्टली भाव संपूर्णता नाल ये कम करता रहिंदा है। इसे तरह अनेक सितारियां नूं जिन्हां विच साडी जमीन भी एक सितारा है पूरी पूरी रोजी मिलती है, जिस नाल वो हमेशा एक पूर्ण हालत विच रहिंदे ने। भाव वाहिगुरु सूरज जां धरती अणगिणत थावां दा इक्को एक सब तो वड्डा दाता है। इस जमीन नूं बेअंत सालां तो एक हमेशा कायम रहने वाली शक्ति मिली हुई है, जिस नाल यह जमीन बेअंत अनाज फल फुल दरखत पेट्रोल सोना चांदी लोहा लून किन्नियां चीजां पैदा कर रही है, कदे घाटा नहीं पैंदा। जमीन दा अतुट दाता भी वाहिगुरु है। हुण जरा आओ जमीन वल नजर मारीए। इस धरती दा एक हिस्सा खुशक है ते तीन हिस्से पानी है जिसनूं समुंदर आखदे ने। इन्हां समुंदरां दे पानी विच भी बेअंत जानवर रहिंदे ने ते उन्हां दे रिजक दा अतुट दाता भी वाहिगुरु है। मनुख इन्हां जानवरां दी कोई सहायता नहीं कर रहा। जंगल विच भी कितने सारे जानवर शेर बघियाड़ चीते गऊ हिरण हाथी बेअंत जानवर ने, उन्हां सारयां नूं रिजक देण वाला भी वाहिगुरु है। मनुख उन्हां दी कोई सहायता नहीं करता। जंगल विच जिन्ने वेल बूटे ते दरख्त ने उन्हां नूं हमेशा पालन वाला भी वाहिगुरु आप है। मनुख दी कोई दखल अंदाजी नहीं। उड्डण वाले समूह जानवरां दे रिजक दा अतुट दाता भी वाहिगुरु है ते जिवें उन्हां नूं रिजक मिलना है इस गल दा इंतजाम इस गल दा कंट्रोल भी वाहिगुरु दे कोल है। एक होर गल बड़ी खास ध्यान देण योग है कि सारे जानवर भावें समुंदर दे होण जंगल दे जां पंछी होण कदे भी अपनी रोज दी खुराक सांभ के नहीं रखदे, सगों जिन्ना खादा जां वरत्या गया खा के बाकी उत्थे ही पई छड़ जांदे ने। उन्हां दे कल दे रिजक दा आर वाहिगुरु नूं है उन्हां नूं नहीं। मनुख कई सालां दा वड्डा वड्डा भंडार इकट्ठा करके भी फिर भी भुखा नजर आउंदा है, होर होर मंगदा ते होर इकट्ठा कर करके रजदा नहीं। जानवरां दा वाहिगुरु ते पूरा भरोसा है पर मनुख दा नहीं। जानवर वाहिगुरु नूं अपना दाता पूरे निश्चय नाल मन रहे ने पर मनुख नूं पूरे सरूप विच दाता ना वेखण करके दातां दे हुंदियां भी थोड़ नजर आउंदी है। मनुख जिन्ना जिन्ना दातां दा सरूप गलत वेख रहा है उन्नी ही उसनूं थोड़ दिस रही है। हुण वेखणा यह है कि मनुख दा दाता भी वाहिगुरू है कि नहीं।
मनुख तो यह आखदा है भी मैं सवेर तो लैके शाम तक जान मार के काम करना ता कि जाके रोटी मिलती है, तो भी पूरी नहीं मिलती। वाहगुरु मैनू मुफ्त दाता देन वाला दाता नहीं हैगा। जदों मनुख नू ए समझाइए भई जे वह बाकी सब जीवां नू रिजक दे रहा है तां तेरा दाता क्यों नहीं हो सकता। दाता भी इहो जिहा जिहड़ा सब चीजां बिना किसे कीमत तों बख्शिश करदा है, कुछ नहीं मंगदा, उसकी दात भी अटुट है ते कदे बंद नहीं हुंदी। तू दुनिया नालों वखरा है, फिर वह चुप जिहा कर जांदा है, पर तां भी उसके दिल में पूरा यकीन नहीं आता। अच्छा आओ जरा और विचारी, मनुख लई सब तो जरूरी हवा है जिस नाल जिंदगी ने कायम रहना है, ते ओ हवा वाहगुरु वालों हर वेले मुफ्त मिल रही है। जमीन विच पैदा कीतियां हुई सब चीजा सोना चांदी कोला लोहा पेट्रोल सब कुछ मुफ्त मिलता है, वाहगुरु इन्हां चीजों का कुछ भी नहीं लैंदा। पानी थां थां ते मौजूद रख्या होया, कुछ मुल नहीं लगता, जमीन नू खोद के जिथों मर्जी कढ लवो। कोई भी अंब की एक गिटक बीज के सालां बाद उस दे दरखत तो हर साल एक गिटक दे बदले लखां अंब लै लवो, यह भी वाहगुरु की मुफत दात है। दरियावां ते मीह दा मुफ्त पानी, सूरज की मुफ्त गर्मी ते रोशनी, वर्दियां हवावां दी तरोताजगी, सारा कुछ बिल्कुल मुफ्त। यह सब चीजा वाहगुरु सदा वंडदा रहिंदा है बिना किसी कीमत तो, नाले सब चीजा अमिनवियां बख्शदा है, फिर उन्हां दा मिलना कदे बंद नहीं हुंदा, सदा जारी रहिंदा है। भावें जरूरत दियां चीजा मनुख नू जमीन कोलों मुफ्त मिलदियां ने, जे मनुख हुण भी ना समझे ते रौला पावे कि वाहगुरु दाता नहीं, तां फिर ये उसकी भुल नहीं तां होर की है। इस भुल दे हनेरे विच बैठिया होया मनुख दाता तो वांझिया रहेगा ते थोड़ उसके मगरों कदे भी नहीं लथेगी। वाहगुरु की सृष्टि विच किसे चीज की थोड़ आ नहीं सकती ते ना हुण तक कदे आई है। हां थोड़ का कारण मनुख की अपनी गलती है। वाहगुरु दियां दित्तियां होईयां मुफ्त दातां नूं ओ मुफ्त नहीं समझदा ते सारयां नाल वंड के नहीं खांदा, बल्कि जिन्ना ज्यादा मनुख विच बल है ओना ही वध लुका के रखदा है, ते दूजियां दियां जरूरतां दी परवाह ना करके सिर्फ अपने कोल रख के खुश हुंदा है। इस दी खुशी इस गल विच है कि इहदे कोल लोड़ तों ज्यादा होवे तां अपने आले दुआले दे दूजे मनुखां नालों अपने आप नूं वड्डा वेखे। बस इस दी इसे गलती ने सारी दुनिया नूं बर्बाद कर दिता है। लड़ाइयां ते झगड़ियां दा कोई अंत नहीं रहा, चाहिदा तां इह है बई जे किसे देश विच अनाज थोड़ा है ते किसे कोल बहुत है तां जिस कोल बहुत है वह बिना मंगण दे अपना वाधू अनाज गरीब मुल्क नूं दे देवे, क्योंकि वाहगुरु ने मुफ्त दिता है ते वाहगुरु की मलकीयत है ते सारी दुनिया वाहगुरु के बच्चे ने, इस करके आपस में भरा भरा ने, जिस करके मुफ्त चीज थोड़ वाली थां ते मुफ्त भेजनी एक वाजब गल है। इसे तरह ओ देश जिस कोल अनाज की घाट है पर दूजियां चीजा बहुत ने, ओ दूजे मुल्कां नूं दूजे देशां नूं जिथे थोड़े मुफ्त भेजे। इस तरह दुनिया भर के देशां नूं अपने भरा भरा समझ के वरतना चाहिए है। उसे तरह हर मनुख नू अपने गुआंढी नाल प्यार नाल वरतना जरूरी है। वाहगुरु सारयां दा इको जिहा है। इस असूल नू वरतों विच ना लियाउण दा कारण
सारी दुनिया दे झगड़े ते थोड़ मनुख दे नजर आउंदे ने। हुण सानू पता लग गया कि वाहिगुरु तो सब चीजां मुफ्त मिलदियां ने। दुनिया ने ऐ ठीक वंड ना करन करके जां मनुख दे रौले ते जोर करके जां लालच करके सब तूफान मचिया होया है। हुण सोचण वाली गल ए आ बई असी इस खिचोतान वाली हालत विच वाहिगुरु दे नाम नाल अपनी छोटी जी दुनिया नूं किस तरह खुश रख सकने आ तां कि सानू कदे भी रिजक दी कमी ना आवे। तां फिर गुरु जी सानू एक नियम चेते करवाउंदे ने, ओ ए कि हे मेरे मन, तू इस नियम नूं अपने दिल विच वसा। ओ ए तू दाता जिया सबना का बसो मेरे मन माही। ए शब्द समझ के पढ़ना ते वाहिगुरु नूं सबना जिया का दाता पूर्ण रूप विच वेखना है ते हर वेले अपने मन विच वसदा वेखना है। ए अवस्था असी मन विच लैके आउणी। जदों ए अवस्था आ जाएगी ना फिर कदे थोड़ नहीं आवेगी। काम काज विच बरकत हो जाएगी, सारे खर्चे खुले चलणगे ते घाटा पैण दा फिकर हट जाएगा। भाई श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं रोज समझ के पढ़ो ते वाहिगुरु नाल नेड़ता पैदा करो। उसका स्वरूप जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच दस्या गया है वह अपने हिरदे विच उसनूं टिकाओ कि वाहिगुरु पिता है, माता है, बख्शन आर है, दाता है, दयालु है, कृपा करन वाला है। वाहिगुरु का स्वरूप भाव वाहिगुरु का सुभा जां वाहिगुरु के नियम जिस विच दाता वाला गुण दिस रहा होवे उस किस्म के शब्द खास करके बार बार पढ़ो, सिमरन करो, हिरदे विच वसाओ। वाहिगुरु नूं अपने कोल वेखो ते ए महसूस करो कि वह सर्व व्यापक है। जिन्ना ज्यादा वह तुहाडे ख्यालां विच दाता अते बख्शिश करन वाला दिसेगा उन्ना उन्ना उस दातार दियां दातां तुहाडे कोल वधदियां जाणगियां। हां जे किते नतीजा जल्दी पैदा ना होवे तां घबराईदा नहीं, अपनियां अरदासां ते सिमरन पूरे यकीन नाल जारी रखणियां ने तां कि तुहाडियां अरदासां दे मुताबक नतीजा निकल सके। हां नतीजा ठीक ना निकलण दा कारण ए नहीं कि वाहिगुरु किते दाता नहीं रहा होना, नहीं, उसका नियम सारी दुनिया वास्ते हर वेले इको जिहा है। सानू उस दे नियम नू पूरी तरह ना समझन करके गलती होण दा शक हो जांदा है। इस मिसाल नू आओ इस तरह समझिए। आम तौर ते मनुख जदों अपनी तनखाह दुगनी होवे तां बहुत खुश हुंदा है, वाहिगुरु दा शुकर करदा है। जे अपने पुत्र दी इन्नी तरक्की होवे तां खुश हुंदा है, पर जे किते किसे गवांडी जां वाकफ दी तरक्की सुने तां खुश होण दी थां ते सड़दा है कि मैं पिछे क्यों रह गया। दूजियां दे कारखाने घाटे विच जां थोड़ी तरक्की विच होण तां इह खुश हुंदा है, पर सिर्फ अपना कारखाना दिन दुगनी ते रात चौगुनी तरक्की मंगदा है। इहो जिहा मनुख वाहिगुरु नूं सभना जीआं का दाता नहीं वेख रिहा, वह वाहिगुरु नूं सिर्फ अपना दाता समझदा है। जदों तक मनुख दी इह गलती दूर नहीं ना होवेगी उदों तक इस नूं सुख नहीं मिलेगा। भाव जदों तक दूजियां दी तरक्की वेख के उन्हां खुश ना होवे जिन्हां अपनी तरक्की ते खुश हुंदा है तां समझ लो कि वाहिगुरु नूं असल दाते दे रूप विच नहीं वेख रिहा। जिन्ना वाहिगुरु नूं गलत स्वरूप विच वेखेगा उन्ना ही गलत नतीजा निकलेगा।
बस ऐसियां गलतियां तो बच के रहना है। हां, मनुख नु ए हक है कि जे उसनु कोई थोड़े तां उस वास्ते अरदास करे। अपनी जरूरत पूरी करन लई खुले गफे मंगना माड़ा नहीं, पर सड़के दूजे नालों वध मंगना ए चंगा नहीं। ए तां होया अकल नाल जां दलील नाल वाहिगुरु नू दाता समझना। हुण आओ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच वेखो कि जिन्ना गुरमुखां ने वाहिगुरु नाल सांझ पाई सी ते जिन्ना ने सचखंड विच वाहिगुरु नू जैसा वेख्या सी उन्हां दे हिरदे विचों वाहिगुरु दे बारे विच की आवाज आई। ये वाहिगुरु की आवाज है जो उन्होंने अपनी जुबान दे राही प्रगट की थी। जे पहलो इसकी समझ ना आवे तो घबराने की लोड़ नहीं, ये गलत नहीं ते गलत हो भी नहीं सकती, सगों बड़ी उच्ची सुची चीज है। सियाने आखते ने जे हीरे की परख ना हो ता हीरा हथों नहीं सुट देना चाहिए। इसनू ध्यान नाल समझो, भावें जल्दी जां देर नाल इसकी कीमत पता लग जाएगी। वाहिगुरु के दरबार विच्चों इस तरह इन्हां उच्चे नियमों की समझ मिल जाएगी। यकीन करो, सिमरन जारी रखो। लो फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के हुक्म ते नियम सुनो। नवनिध रिद्ध सिद्ध दीने करते तोट ना आवै काई राम, खात खर्चत बिलछत सुख पाया, करते की दात सवाई राम। दूसरा, काहे रेमन चित में उद्दम, जा आहर हरजियो परया, सैल पत्थर में जंत उपाए, तांका रिजक आगे कर तरिया। सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर काहे मन पाव करया, उडे ऊड आवै सै कोसा, तिस पाछे बचरे छरिया। इस सारे लेख का तत् सार ए कि पैसा भावें किसे यतन नाल कमाओ, ये हमेशा आउण जाण वाली चीज ते भुख होर होर वधदी जाएगी, पर समझ समझ के नाम जपन नाल ते वाहिगुरु मेरा दाता है ये वाला गुण अपने हिरदे विच धारण करन नाल जिहड़ियां दातां मिलदियां ने ना वो कदे खत्म नहीं होंदिया। वाहिगुरु बेअंत है ते उसकी हर चीज भी बेअंत है ते उसकी दात भी बेअंत है। चेते रखो, देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगां जुगंतर खाही खाहे। कीता लोड़िए कम सो हर पै आखिए, कारज दे सवार सतगुर सच साखी है। ये शब्द साढ़े मन कि तसली देता है। जदों सारे काम वाहिगुरु जी ने करने ने तो फिर असी बेफिक्र क्यों ना हो जाइए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का यह वाक गलत नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु का वायदा कदे झूठा नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ठीक है ते शक दी कोई गुंजाइश नहीं। ये तो होया साडे निश्चय दा ख्याल। आओ हुण तजर्बे वाले पासे इस शब्द नूं वरत के वेखीए। सच पुछो ता सिख हर काम करन लग्या वाहिगुरु नूं कहिंदा ते जरूर है ते अरदास भी करदा है, पर हर वारी कारज दे सवार वाला नतीजा नहीं निकलता। फिर मनुख दा विश्वास हिल जांदा है। ते भी तजर्बे विच आउंदा है कि जिहड़े लोग कदे भी अरदास नहीं करदे उन्हां दे काम भी कदे हो जांदे ने कदे नहीं। फिर मन विच ए सोच पैदा होंदी है कि अरदास दा कोई फायदा भी हुंदा है कि नहीं। हां, विश्वास वाले पक्ष नूं वेखीए तां
ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆਖਦਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਦੇ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਆਖਦਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਤਜਰਬਾ ਆਖਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਸੂਲ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੇਖੋ, ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਰ ਹਾਲ ਆਉਣਾ, ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਮਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਬਈ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਕਲ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਵਕਤ ਮੌਤ, ਵਪਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਪਾਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਤਮਿਕ ਸਮੁੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਲੇਖ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਐ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬੋਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਓਏ ਬੇਸਮਝ ਮਨੁੱਖ, ਠਹਿਰ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਅੱਗੋਂ ਮਨ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਆਈ, ਤੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਲਣਾ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵ ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੂਰ ਦੀ ਝਲਕ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਆਇਆ, ਮਨ ਤੇ ਕੋਰਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਰੋਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ,
पर जे कोई खुशी मिली तो फिर अपनियां अकलां ते कोशिशां दा मान कीता। मूर्ख बंदे, हर वेले मौजूद वाहिगुरु नूं ध्यान विच रखण नाल ते उस नूं प्यार नाल सिमरन करन दी थां ते तू हर वेले अपना ध्यान पैसे वल दौलत वल रखिया ते इस पैसे नूं ही तू अपना मालक बनाया, जां फिर तेरे मालक तेरे प्यार दे पात्र तेरा पुत्र तेरियां धीआं तेरा परिवार है। ओए भुल्ले बंदे, निराश ना हो, वाहिगुरु ते सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। जिस गुरु ग्रंथ साहिब दी आवाज है ना, कीता लोड़िए कम सो हर पै आखीए, उस दा ध्यान नाल समझ के पाठ कर ते याद रख के गुरु ग्रंथ साहिब जी वाहिगुरु दा ते उस दा सुभाअ की दसदे ने, उसनू मन विच रख ते उस दी पछाण हासिल कर। जदों तू सतनाम अते वाहिगुरु आख्या तां तेरी सुरत विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच लिखे हुए सारे गुणां दी भरपूर एक नूरी शक्ति तैनू दिसे, जो कि बेअंत है, कुल ब्रह्मांड विच फैली हुई है, ते जे तू उहदे विच उस नूर दी एक जोत नजर आवे। सूरज ते सूरज दी किरण दी यह मिसाल याद रख, वाहिगुरु सूरज है ते तू उस दी किरण है। इस तरह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं ध्यान नाल समझ समझ के पढ़न नाल ते वाहिगुरु नूं सर्वव्यापक वेखन नाल जदों ओ पिता ते माता जापेगा तां दुनिया दियां कुल मुसीबतां तों रख्या होवेगी। जदों ओ दाता दिसेगा तां हर हाल पैसे वल्लों धन दौलत वल्लों सदा बेपरवाही रहेगी अते वाहिगुरु दियां दातां मुफ्त मिलनगियां। जदों वाहिगुरु गलती अते बीमारी तों रहत दिसेगा अते उस दी जोत अपने अंदर दिसेगी तां सब बीमारियां भावें किन्नियां पुराणियां ते ला इलाज क्यों ना होण हट जाणगियां। जदों सुखां दा सागर भसेगा तां तन मन विच शांति ठंड हर वक्त दे फिकर ते चिंता तों आजादी मिल जाएगी। जिस दर्जे तक अभ्यास नाल उच्चा पहुंचेगा बस उस दर्जे तक तेरियां मंगां पूरियां हो जाणगियां। एक गल होर भी ध्यान नाल समझ लईए, वाहिगुरु दी हमेशा दिली इच्छा यह होंदी है कि अपने बच्चियां दियां मंगां उसे तरह पूरियां होण जिमें बच्चियां ने मंगां कीतियां ने। पर मंगां विच इंसानी गलतियां जरूर होंदियां ने ते उन्हां दा पूरा होना तकलीफ दा कारण हो सकदा है। इस करके वाहिगुरु मंग मंजूर करन तो पहला गलतियां नूं कढ के ते मंगां नूं सुचा ते साफ करके मंजूर करदा है तां कि ए सुखदायक बन जाण। फिर समझ आवेगी, कीता लोड़ी है कम सो हर पै आखिए, कारज दे सवार सतगुर सच साखिए।